इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी भगवत प्रेम में मां से कह रहे, तब ये दोगुना एक विद्वान सुना रहे थे। श्री हनुमान जी ने कहा, मां भगवान की प्रेम मुद्रिका आपको हमने दी तो आपने उसको अंगुली में धारण कर लिया है, और जब सुग्रीव हमारे महाराज ने भगवान को पट और आभूषण आपका दिया तो उसको भगवान ने हृदय में धारण कर लिया। तो मैंने ऐसे अर्थ लगाया, विद्वानों की बात है, कि भगवान तो आपने उंगली में धारण किया, यहां से यहां तक दो हाथ होता है, इसलिए भगवान आपको दोगुना प्रेम करते हैं। मां हंस पड़ी उक्ति सुनकर। भक्तों का अपना अपना भाव है। श्री हनुमान जी महाराज परमात्मा के पावन संदेश को सुना रहे हैं, इसको आप केवल सुनिए। पंक्ति हम आप गा रहे हैं मित्रों के साथ, सुनिए। कहे वो राम वियोग तव सीता, कहे वो राम वियोग तव सीता, मोकहूँ सकल भये विपरीता, मोकहूँ सकल भये विपरीता, नवतरु लय मनहु कृषानु, नवतरु लय मनहु कृषानु, काल निशान सम शिभानु, काल निशिभानु, कोबलय विपिन कुंतव कहे हो ते कर
कछु दुख घटी होई, कहे हो ते कछु दुख घटी होई, हे काही कहूं यह जान न कोई, काही कहूं यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो का संदेश। माँ आप ऐसे सुनिए, ऐसा बोलते बोलते श्री हनुमान जी के नेत्र से अश्रु झरझराने लगे। बरे विलोचन नहीं, जो कहना चाहते हैं जब जिह्वा नहीं बोलती है तो नेत्र बोलते हैं। अब तब श्री हनुमान जी उसी भाव में, जिस भाव में परमात्मा ने कहा था, कहे उराम वियोग, हे माँ। अब इस समय श्री हनुमान जी राम जी की प्रतिरूप में, प्रतिभाव में बोल रहे हैं। शब्द हनुमान जी के नहीं है, भाव हनुमान जी के नहीं है, सब श्री राम प्रभु के हैं, इसलिए बोले वियोग तव सीता, नहीं तो कहते वियोग तव माता।
पुत्र पिता के संदेश को माँ से नहीं कह सकता, परंतु माँ माँ इतनी करुणा में है, व्यथा में है, विरह में है, उनको संदेश ऐसा ही देना है कि माँ एकदम प्रसन्न भाव में आ जाए। ये देखो, यही तो सेवा है। पुत्र का कर्तव्य है कि माँ को पिता, पिता को माँ, माँ को पिता, पिता को माँ, इनमें ऐसा समन्वय स्थापित करे, दोनों के साथ बैठे, समय दे और इनका प्रेम पावे, वो भाग्यशाली है जिनको माता पिता की कृपा प्राप्त है, जिनको माँ की ममता प्राप्त है। ये काम सरल नहीं है। कुंती माँ का सौभाग्य है कि उनको अपने पांचों पुत्र भगवान जैसा स्नेह देते हैं, आदर करते हैं। और माँ देखो, जीवन में बहुत धन हो जाए व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन धन कुछ न हो और माँ की एक वाणी, पुत्र जितने मेरे रोम हैं उतना उतना तुम यशस्वी हो जाओ, धनस्वी हो जाओ, तो आपके पास नहीं होगा तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। अभी हम कोलकाता जा रहे हैं, वहां हम एक व्यक्ति को कथा सुनाते हैं, प्रधान जी, एक व्यक्ति बाबू जी श्रीमान आरपी जी गोयन का, श्री राम प्रसाद जी गोयन का, अकेले वो कथा सुनाते हैं। और प्रातः वेला हमारे जो संस्था के ऑल इंडिया चेयरमैन हैं श्रीमान पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी, तिवारी स्वीट्स, उनको कथा सुनाएंगे, दो घंटा उनको सुनाएंगे, दो घंटा उनको सुनाएंगे। किनको सुनाएंगे? तिवारी जी के घर में जो मंदिर है उसमें केवल माता पिता का बेड लगा हुआ है। तिवारी जी अद्भुत मातृ पितृ भक्त हैं, उनको कथा सुनाएंगे। अभी मैं इसे कह रहा था आने के पहले, यदि व्यवस्था अनुकूल रही, और कितना वो जो कक्ष है इस स्थान का आधा है, हाफ, इसमें दो बेड लगे, एक बप्पा जी का एक अम्मा जी का। हमारी बड़ी श्रद्धा है, जो धरती पर माता पिता के भक्त है ना, वो बोले हमको माँ जी को कथा सुनाना है, चल भाई चल रहे हैं ना, सुनाएंगे। मैंने एक 50 लोगों के बैठने नहीं, 5 लोगों के बैठने योग्य कक्ष में भी माँ को कथा सुनाई है। ऐसी 3 कथाएं सुनाई। किसको सुनाया? माँ को सुनाया। बाबा ने माँ को सुनाया ना, आपकी निष्ठा ही आपका फल है। आप निष्ठावान हो तो आपका भगवान भी आपको प्रेम करेगा। क्यों? भगवान भी पहले माई है, बाद में बाप है। त्वमेव माता, कहां कहां तुम्हें वो पिता, मां पहली है, मां से ही पिता का पता चलता है। श्री हनुमान जी ने मां से क्या कहा? प्रभु ने कहा, मां जितने अनुकूल थे सब प्रतिकूल हो गए। अभी प्रेम का इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा सूत्र, क्या शीतल मंद सुगंध जो बयारी है, ये सांप के कंठ से निकलने वाली हवा जैसी है। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, वर्षा ऋतु ऐसे लगती मानो गरम गरम तेल वृष्टि हो रही। जो हितैषी हैं, हितैषी थे, वो शत्रु जैसा व्यवहार करते, पीड़ा प्रदान करते। कैसे? आपके साथ रहने पर नवीन पल्लव वृक्षों के कितना सुख प्रदान करते थे सीते, लेकिन आप नहीं हैं तो ये जो केले की कोपलें हैं ना, जो मुलायम लगती थी, आज वो नागफनी जैसी लगती है, कटीली झाड़ जैसी लगती है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, इनका पूरा बागीचा कांटो जैसा लगता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।